नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लेकर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विशेष रूप से की शिरकत। मोबाइल गैजेट्स तकनीक में एसयूवी नेक्सॉन कोस्मो टाटा के शोरूम में हुई लॉन्च। 6 एयरबैग 3 बेल्ट के साथ बेहतर सुरक्षा तकनीक की प्रदान। श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से साइंदा स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद भागवत कथा का हुआ समापन। हजारों भक्तों ने मनाया फूल होली महोत्सव। अरब हलचल विस्तार से। पीएम विश्वकर्मा के लॉन्च के अवसर पर अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गैर रस्मी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत लाभदायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता के साथ साथ ये योजना लोगों के स्किल को भी अपग्रेड करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान सहित अन्य गणमान्यों का स्वागत वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह ने पीएम विश्वकर्मा के आगाज के लिए माननीय मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस योजना का आगाज उन्हें दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की याद दिलाता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एंड मनु खुशी आज ज्यादा आएगी, क्योंकि मैं समझना कि मेरा गुड फॉर्च्यून है कि मनु अमृतसर इस प्रोग्राम शामिल होने का मौका मिले जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। और स्किलिंग भी जो 2014 के बाद स्किलिंग वास्ते जो काम होया, वाइस चांसलर साहब तुहानू दस रहे सीगे, और स्किलिंग अगे जाके ऐसी की स्टेप्स लेने में, सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सम थॉट्स विद यू ऑन दिस। अगर तुसी देखो ये 18 जड़ियां स्किल्स हैगियां जिहड़े द मास्टर सेरेमनीज वाज टेलिंग अस, बट ट्रेडिशनली साड़ी भी जिहड़ी भी स्किल स्पेशलाइजेशन हुई है, इट हैज बीन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दैट इज अगर तुसी कोई स्किल या ट्रेड सीगी फैमिली च, तो तुसी अगले जनरेशन नो यू आर पासिंग इट ऑन। पर फॉर्मलाइज तरीके ना जो भी काम होया 2014 के बाद, दैट स्टैंड्स एट वन लेवल। पर मनु लगता है कि ये जी विश्वकर्मा स्कीम हैगी, इहदी च कुछ स्पेशल फीचर्स है। सब तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इहदे वास्ते बजटरी प्रोविजन जो किया 13,000 करोड़ रुपए का, तो इहदी जिहड़ी इंप्लीमेंटेशन होएगी, मैं समझदा उस इंप्लीमेंटेशन च उन्हें डीसी साहब दस रहे थे कि अगर तुसी 1,00,000 रुपए का लोन तुहानू चाहिए स्किलिंग वास्ते 5% कंसेशनल रेट से मिलेगा। ये बात चल रही थी कि हमारे माननीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो आज विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुई है, इसमें क्या है कि सभी 18 प्रकार के जो भी हाथ के कारीगर होंगे, मोतीकार होंगे, टेलर होंगे, मोची होंगे हमारे भाई, उन सबको डाउन वर्क से लेके एक अच्छे मुकाम तक लेके जाने का जो उनका सपना है वो आज साकार होने जा रहा है। उसकी एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है कि ये चीज़ें जो हो रही थी, छोटे छोटे उद्योग थे, जो ये कारीगर थे, जो हाथ कारीगर थे, मीना कारीगर थे, मालाकार थे, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई थी। आज की डेट में मतलब कि टेक्नोलॉजी के कारण, मान लीजिए जैसे चाइना से सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी कि इन चीज़ों को दूर जाता हुआ देखा जा रहा था, तो उसे एकदम पास लेके आना और ये सारी चीज़ों को एक साथ में एकत्र करने का काम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने करा है। मोबाइल गैजेट्स तकनीक में एसयूवी नेक्सॉन को कोस्मो टाटा के शोरूम में
लॉन्च किया गया। इस गाड़ी की विशेषताएं बताते हुए कोस्मो टाटा कंपनी के एमडी राघव आहूजा ने बताया कि 8 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की गई इस नई नेक्सॉन गाड़ी में 6 एयरबैग व 3 पॉइंट सीट बेल्ट की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे इस गाड़ी में सफर करना बेहद सुरक्षित होगा। एमडी राघव आहूजा ने कहा कि इस नए सेगमेंट में युवा पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नवीनतम फीचर उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कि ड्राइविंग का नया अनुभव देंगे। नई नेक्सॉन में शानदार आधुनिक एसयूवी डिजाइन है, जो पेट्रोल और डीजल दोनों सेगमेंट में उपलब्ध है, और इसमें 2 LED DRL लगी हुई हैं। इस मौके पर टाटा मोटर्स के रीजनल मैनेजर सोमियन पॉल, गायक गुरनाजर चट्ठा, GM उमेश अरोड़ा, GM सर्विसेज संजय टिंकू सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। आज सर हमने नई नेक्सॉन आपके साथ लॉन्च की, इसका तहे दिल से हमें बहुत शुक्रिया। नई नेक्सॉन आई है जी, इसमें एंडलेस फीचर्स हमने निकाले हैं। टाटा मोटर्स हैज रिवैम्प इट, इट्स एंटायरली न्यू प्रोडक्ट। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें लग्जरी ना हो। तो बाकी हमारे आर एम साहब कुछ कहेंगे। मिस्टर सोमेन नमस्कार सभी को। टाटा की सबसे फेमस प्रोडक्ट नेक्सॉन ही रही है, और ये जो नया नेक्सॉन है, वी हैव एक्चुअली रिवैम्ड द एंटायर प्रोडक्ट एंड वी हैव गिवन अ फ्रेश न्यू लीज टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज अ न्यू प्रोडक्ट। आई रिक्वेस्ट ऑल द कस्टमर्स टू प्लीज कम टू दिस शोरूम कॉस्मो टाटा जलंधर एंड एक्सपीरियंस दिस प्रोडक्ट, हैव अ टेस्ट ड्राइव, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड कि हाउ टाटा हैज़ गिवन ए न्यू लाइफ टू इट्स मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट नेक्सॉन। पहला तो मैं गड्डी के बारे दस दूंगा। मैं हमने उत्ते हफ्ते आंदा होया जब गड्डी देखिया, इट इज़ फुल ऑफ फीचर्स, इट इज़ अ कंप्लीट फैमिली कार फुल ऑफ फीचर्स। आई रियली लव्ड इट, इस करके नहीं कि मैं इतने आया, आई लव कार्स। मेरे को अज भी याद है व्हेन आई वाज किड, साढ़े को टाटा सुमो होंगी सी, तो हम जब मैं अज की टाटा में देखना, इट इज़ मतलब फार फार बैटर दैन, हर साल ग्रो हो रही हैं, एंड आई रियली लव्ड इट। आई थिंक यू शुड कम एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव। सबसे पहला थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी राघव पाजी, आरएम सर, और टाटा नेक्सॉन जिस तरीके नाल पहला बड़ी ज़्यादा चली है, तो आई होप ये भी कार बहुत अच्छी चलेगी, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स है और इन्ने सारे फीचर्स है जिन्होंने दसन लगे बहुत टाइम लग जाता है। तो पावर पैक परफॉर्मेंस के नाल कार कढ़ी है टाटा ने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा, तुसी आओ टाटा के शोरूम दे विच, कॉस्मो आओ ते टाटा मोटर्स आओ और कार की टेस्ट ड्राइव लो। और जेकर आप शोरूम से गल करिए, जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला, फगवाड़ा, दसूआ है शोरूम्स, तुसी जाके टेस्ट ड्राइव लो। थैंक यू सो मच। श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से साईदास स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें एवं अंतिम दिन की शुरुआत श्री सुदामा चरित्र, नव योगेश्वर संवाद, परीक्षित मोक्ष कथा, विश्राम एवं फूल होली महोत्सव के साथ हुई। कथावाचक विश्व विख्यात भागवत कथा व्यास आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने 7वें दिन की शुरुआत सुंदर प्रभु वचनों के साथ की, जिसके बाद आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने उपस्थित सैकड़ों की संख्या में प्रभु भक्तों पर कथा की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि जीवन में कितना भी धन ऐश्वर्य की संपन्नता हो, लेकिन यदि मन में शांति नहीं तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस अवसर पर सांसद सुशील रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सेवादार अजय लाली और श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति के समस्त पदाधिकारियों ने शिरकत कर आरती में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस मौके पर श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उप प्रधान एडवोकेट उमेश ओहरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिज मोहन चड्डा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलविंदर शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपिंद्र सिंह बिल्ला, अश्वनी कुमार, आशु अंकुश जुनेजा, विकास ग्रोवर, राहुल बहरी, राजवंश मल्होत्रा, दविंदर अरोड़ा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार सोनू, हेमंत थापर, विनोद खेड़ा, सुमित गोयल, सोनू चोपड़ा, दविंदर वर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा, संजय मखीजा, दविंदर धवन, शीतल सूद, दविंदर अरोड़ा, सौरभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। रसिकों के सदा
और पीवन को यमुना जल पानी। तुमसे प्रसन्न रहे और अपनी अखंड कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाते रहे, ऐसा मैं सबको भागवत की व्यासपीठ से मंगल में शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ। और यही कहूँगा बंधु कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो, अरे तुम सितारा बनो जगमगाते रहो, ऐसा मैं सबके लिए मंगल कामना व्यासपीठ से करूँगा। आप लोग तो कहेंगे कि महाराज जी ठीक है, कथा तो हमने सुन ली, पर मजे तो आपके हैं, दो दो एसी लगे हुए हैं, ऊपर बैठे हो आराम से, हमसे पूछो कितनी गर्मी भी है वर्षा भी है फिर भी दूर दूर से आके नीचे बैठे। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव कहाँ करते हैं, उनका ये भाव उनके मुख से ही मैंने सुना कि भैया ऐसा नहीं सोचना कि मैं ऊपर बैठा हूँ तो बड़ा हो गया, आप नीचे हो तो आप छोटे हो गए। नहीं नहीं भैया, मैं यदि चौकी पर बैठा हूँ ना तो समझ लेना कि चौकीदार तो मैं हूँ, आप तो जमींदार हो जो ज़मीन पर बैठे हो, मैं तो चौकीदार हूँ। और वास्तव में यदि सोचो तो मैं चौकीदारी करने ही तो आया था। हमारे वृंदावन में ना मैंने तो बचपन से देखा, हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास वो एरिया जो है जहाँ हमारा निवास, उस एरिया को कहते हैं जहाँ सभी गोस्वामीगण रहते हैं, उस बिहारी जी के मंदिर के आसपास के उस एरिया को कहते हैं बिहारीपुरा। क्या कहते हैं? बिहारीपुरा। उस पूरे मोहल्ले का नाम ही बिहारीपुरा है जहाँ बिहारी जी का मंदिर है। तो हमने बचपन से देखा कि वहाँ रात्रि में जब पहरेदार पहरा देते हैं सर्दियों में विशेष, तो जैसे शहरों में तो चौकीदार आवाज लगाते होंगे जागते रहो जागते रहो, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। जब वृंदावन में चौकीदार आवाज लगाते हैं आज भी रात में, तो बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास वो पहरा लगाते हुए चौकीदार यही बोलता है जोर से, राधे श्याम राधे श्याम। Oh,
भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से भाजपा के स्थानीय कार्यालय जंडियाला कुरु में राजीव कुमार माणा की अगुवाई में मनाया गया। इस मौके पर नव नियुक्त ओबीसी पंजाब प्रधान अमरपाल सिंह बोनी, जिला प्रधान मनजीत सिंह मन्ना, पूर्व जिला प्रधान राजीव कुमार माणा, राजेंद्र मोहन सिंह छीना, क्षेत्र इंचार्ज डॉक्टर दलबीर सिंह, राकेश कुमार भाटिया, साहिल शर्मा, एडवोकेट जगदीपक मेहता, सुशील देवगन ने अपने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का 5 लाख रुपयों वाला कार्ड दोबारा शुरू किया है, जो कि पंजाब में पिछले कुछ समय से बंद था। अब जरूरत पड़ने पर इस कार्ड का लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर मनदीप सिंह मन्ना का मुंह मीठा भी करवाया गया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 4 वर्षों से दुबई में गए नौजवान ने दूसरा विवाह करवा लिया, जिसके चलते पहली पत्नी ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमनदीप कौर ने बताया कि उसका विवाह पूरे रीति रिवाज से दविंदर पाल सिंह निवासी गांव डेहरीवाल जिला अमृतसर के साथ हुआ था और उसके 2 बच्चे भी हैं और वे अपने ससुराल परिवार डेहरीवाल में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उसने बताया कि उसे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि उसके पति ने दूसरा विवाह करवा लिया है। जब उसने अपने पति से इस बारे में पूछा तो उसने उसे कोई भी तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। उसने बताया कि उसके पति ने पिछले 1 वर्ष से उसे कोई पैसा भी नहीं भेजा है, जिस कारण उसे अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहीं उसके पति की दूसरी पत्नी और उसका भाई उसे फोन कर धमकियां दे रहे हैं, इसलिए पीड़िता ने उच्च पुलिस अधिकारियों से उसे न्याय दिलाए जाने की मांग की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अही मेरा नाम कलवान सिंह है जी, पिंड डेरीवा जी, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है जी। ये मेरी नौवां बेटी भी है, आप मेरे पोते पोतियां जी। अही ये कहना चाहूंगे जी, ओदी जायदाद पे बैल लग जाए जी, इन्हों बच्चों नाव जी गलत किया जी, बिल्कुल गलत किया। जिदा मैं एडे पाले जी, एडे दो भैन भरा, दविंदर पाल सिंह 4 सालों का ही, तो कुड़ी जी अं पाली आ साल सवा साल दी जी, तो एडा एदा गोदी ची लीक पाए जिदा हूँ इन्होंने भुन लिया। हाँ जी है जी, बच्चा ना हो जाए जी, इन्हें मिल जाए आपे सामने। अं आने भी वो गलत है जी, बिल्कुल गलत है, गलती की है जी, बिल्कुल गलत की है। जदों आप बच्चे ही सब कहो वो जायदाद वारस ही हाँ, तो अं तुम अपनी भी याद दे तैयार है हम, मेरे तो आज कोई नहीं जी, मेरा बच्चा कोई नहीं, मेरे वास्ते यही बच्चे है। मेरा नाम अमनदीप कौर है, तो मेरे हसबेंड का नाम दविंदरपाल सिंह है, तो मैं उन्होंने की हुई है क्योंकि उन्होंने दूजी मैरिज कर ली है दुबई के। मैं सोशल मीडिया से पता चलिया, तो कुड़ी ने मैनू धमकियां भी दिखाई सगिया कि मेरे हसबेंड है। मैं उन्होंने पूछा, मैं तू मेरे हसबेंड के फोटो क्यों पाइया, कहने मेरा हसबेंड है। मैं तेरे को की प्रूफ आ, मैंने कहनी तेरे को की प्रूफ आ। मैं अपने उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट पाया, अपने बच्चों की फोटो पाइया अपनिया पाइया, तो वो कुड़ी ने कहती कि यह कोई प्रूफ नहीं है, अपने विआह वाली फोटो पा। मैं कोई गल नहीं तेन वो भी पा दाँगी, पहले तू अपनी मैरिज दोटो पा मैंने जो तेरी हुई है। तो उन्हें मैंने कोई फोटो नहीं पाइया, कुछ नहीं पाइया। बाद में भरा उन्हें अपने भरा मेरी आई डी दी, उन्हें मैंने धमकियां दी कि तेरे बच्चे मार देंगे, भी तेन मार देंगे, जो तू इन तो दूर हो जा, ये दोवे ना आ तू। मैं कुड़ी का नाम गुरिंदर कौर है, तो भरा का नाम परविंदर सिंधु आ, तो उन्होंने मैं धमकियां दतिया सगिया। तो बाद मैं उन्होंने इन्ना ज़्यादा कर दिता कि दिमाग के तौर पर कि मैं फरनैल पीती सी, मैं होस्पिटल रह के आई हाँ, इन्हों की वजह के नाल मैं मरण तक गई हाँ। पर वह इंसान के सिर पर बिल्कुल भी जूम ही नहीं सकती कि हाँ भी मेरी वाइफ मर रही है जो कि बच्चों के नाल। मैं मंग यही करती हाँ कि मेरे बच्चों इंसाफ मिलया जाए,
तो इंसान को सज़ा दी जाए और कुड़ी को भी सज़ा दी जाए। उन्हें पता होंदया होया भी उन्हें विआह किया, उन्हें सारा पता सीगा कि वाइफ आ, उहदे दो बच्चे आ, उन्हें सब कुछ मैसेजां दे आवक विच लिखिया होया वा कि उहदे दो बच्चे आ, मेरी वाइफ आ। आप दो जगह पर की दिल्ली भी की, इतने पिंड तो सिक्के भी की। नहीं भेजते, दो साल हो गए कोई पैसा नहीं भेजते। केंद्र सीगे कि कंपनी वालिया ने मैनू मतलब कि टैक्स पाया होया वा 8 लाख रुपये का, तो सानू कोई पैसा नहीं भेज दे रहे, दो साल हो गए इदा ही। तो वो कुड़ी नू दिंदे रहे होणगे, फिर सानू तो कुछ भेजा नहीं है। तुसीं हुण की चाहुंदे जी? मैं तो यही चाहती हाँ कि मेरे बच्चे साफ मिले, कि मैनू भी कोई पावे, क्योंकि मैं कितों खर्चा करना, मेरे अगे पिछे तो कोई है नहीं, ना मेरे मम्मी पापा ना कोई भैन भरा है।